आत्मा में जो आवाज आती है ना, उसमें भी वो ये मानते हैं कि नहीं साहब, ये भाटा बोलते ईट कोड़ी है। पूरा राम जी मजाक में कहते थे कि साहब सांचोर गए तो मोटरसाइकिल चाबी तो हमारे पास में रहेगी, मोटरसाइकिल दूसरे के पास में होगी। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें और कुछ नहीं है कि साहब सांचोर रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके हमको जालौर में ही रखो। ना हुई कि सांचोर जिला बन रहा है, मेरे पास में ऐसे ऐसे लोग आए जो जिनका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, साधारण व्यक्ति, वो भी मुझे यही बताने की कोशिश करे कि साहब सांचोर जाए वो तो खराब गई है, अपने तो उठे भीनवाल ठीक है, पर वो बातें तो नहीं हुई। और जो नहीं चाह रहे थे किसी ने, ना सांचोर वालों ने भी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि सांचोर की जनता ने मांग नहीं करी थी कि सांचोर को जिला बनाया जाए। सभी नागरिक बंधुओं, आज सब आप लोग जिस पीड़ा के साथ में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और जो धरने देने की आप लोगों ने बात कही गई, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। और मेरे पास में भी कुछ बंधु आए थे कि देवड़ा साहब आपको पधारना है 17 तारीख को, मैंने कहा मैं भी आपके बीच में ही हूँ और जरूर आऊँगा। आज जिस सब्जेक्ट को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि सांचोर जिले में रानीवाड़ा को डाला गया है, जब ये बात चली थी, जब मुझे भी लोगों ने कहा था कि साहब रानीवाड़ा को सांचोर में डाल रहे हैं, तो मैंने उनको मना किया कि ऐसा हो नहीं सकता है, क्यों कि मुझे मालूम है कि मैं आप लोगों के सहयोग से 3 बार यहाँ का विधायक रहा और जो भी मुझसे हो सका मैंने किया, लेकिन उस समय जब मैं विधायक था पहली बार और दूसरी बार, उस समय रानीवाड़ा का SDM हेडक्वार्टर भीनमाल हुआ करता था और मैंने पर्चा भी भीनमाल एक बार भीनमाल में जाकर भरा था। और भीनमाल जब जालौर जब बन रहा था, उस समय भी लोगों की मांग ये थी कि जालौर को जिला नहीं बनाया जाए और भीनमाल को जिला बनाया जाए, क्योंकि जो जालौर की सरहद थी वो आपको कईयों को मालूम होगा कईयों को मालूम नहीं होगा, पाकिस्तान बॉर्डर तक जालौर जिला था। बाकासर जो बॉर्डर का गांव है वो भी जालौर जिले में पहले हुआ करता था। तो इतना लंबा चौड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के कारण से उस समय भी यही मांग रखी गई थी कि भीनमाल को जिला बना दिया जाए, लेकिन किसी कारणवश भीनमाल जिला नहीं रहा, जालौर हुआ और वो बाकासर और उस एरिया को बाद में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर दिया गया। आज प्रश्न ये है कि हमें सांचोर से कोई भी तकलीफ नहीं है, सांचोर बनाए अच्छा है, होना चाहिए चितलवाणा सांचोर। पहले कहा था कि चौटन आएगा, बुढ़ा मालानी आएगा, लेकिन वहाँ तो शायद या तो राजनीतिक सक्रिय थे लोग कि उन्होंने आवाज उठाई और वो बुढ़ा मालानी का भाग भी नहीं लिया गया और चौटन का भी भाग नहीं लिया गया। और रानीवाड़ा का उस समय चल रहा था, लेकिन ये तय नहीं था कि रानीवाड़ा भी जाएगा या नहीं जाएगा। मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के सहयोग से मैं जब मंत्री था उस समय हमारी कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी और स्वर्गीय भैरव सिंह जी साहब शेखावत साहब चीफ मिनिस्टर थे और मीठालाल जी मेहता चीफ सेक्रेटरी थे। मीठालाल जी मेहता ने हम लोगों की कैबिनेट में एक प्रस्ताव रखा कि राजस्थान में कुछ SDM हेडक्वार्टर और बनाने हैं। मैंने बहुत ध्यान से सुना क्योंकि मैं भी जानता था कि सांचोर अपने लिए SDM हेडक्वार्टर बनाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि दूरी के हिसाब से भी
भीनवाल से 7 और की दूरी काफी थी। तो जब उन्होंने नाम पढ़े तो मैंने खट से ऑब्जेक्शन कर दिया। मैंने कहा सर मुझे इसमें एतराज है। तो साहब ने कहा क्या है? तो मैंने कहा साहब आप भी बजाते हो और आपको मालूम है कि भीनवाल कहाँ है, सांचौरी का पूरा एरिया किधर है, और काफ़ी लंबे समय से मांग है कि सांचौर को SDM हेडक्वार्टर कर दिया जाए। तो मेरे कहने के बाद में कई और माननीय मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि साहब हमारे भी ऐसा है वैसा है। तो भैरू सिंह साहब ने मीठालाल जी से बात करी। मीठालाल जी अपने यहाँ पे जालौर में कलेक्टर पूर्व में रहे हुए थे। तो मैंने मीठालाल जी को कहा साहब आप भी हो ना, बाकासर तक हमारा पहले था। तो मीठालाल जी बोले बाकासर तो फिर बाड़मेर में चला गया ना। मैंने कहा बाकासर चला गया, लेकिन बाकासर के पास वाला गांव तो जालौर में ही है ना, सांचौर में ही आता है। तो कहा ये बात तो आपकी सही है। तो फिर नई लिस्ट बनी और जो सांचौर भीनमाल का अंग था उसको अलग से SDM हेडक्वार्टर किया गया उस समय। तो एक्चुअल में आज डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए तो भीनमाल ही उपयुक्त था, क्योंकि सांचौर तो भीनमाल से अलग होकर SDM बना है, रानीवाड़ा SDM हेडक्वार्टर बना, अब तो जसवंतपुरा ही बना है। और हम लोगों की यही मांग है कि यदि हमको, सबसे पहले तो हमारा यही प्रयत्न है कि साहब भीनमाल अलग से डिस्ट्रिक्ट बन जाए तो हम लोग सब जसवंतपुरा भीनमाल रानीवाड़ा काफ़ी एरिया है जो भीनमाल में जा सकते हैं, सांचौर रहे, हमें सांचौर से कोई एतराज भी नहीं है। और अगर कुछ भी हो तो हमें जालौर में ही रखें, कोई हमने तो मांग ही नहीं करी थी, हमने तो सांचौर की किसी ने मांग ही नहीं करी थी कि सांचौर जिला होना चाहिए। और जिले के हिसाब से आप सबको मालूम है कि मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि जब ये घोषणा हुई कि सांचौर जिला बन रहा है, मेरे पास में ऐसे ऐसे लोग आए जो जिनका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, साधारण व्यक्ति, वो भी मुझे यही बताने की कोशिश करे कि साहब सांचौर जाए वो तो खराब गई है, अपने तो वोटे भीनमाल ठीक है। मतलब आम आदमी ये चाह रहा है कि सांचौर के बना हमको 30 किलोमीटर तो जाना है भीनमाल, और वो जाना है 50 किलोमीटर, और किलोमीटर तो चलो छोड़ो बात अलग, लेकिन भीनमाल का माहौल, वहाँ का माहौल में आप सबको मालूम है, मुझे किसी के बारे में ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं, आप सब अपन लोग बैठ आए हैं यहाँ पे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आप लोगों ने आवाज़ उठाई है ये मेरे ख्याल से पूरे रानीवाड़ा पंचायत समिति में गई नहीं है। आज का जो मैं मॉब देख रहा हूँ, माफ करना, या तो प्रचार प्रसार में कमी रह गई है, लेकिन ये जब भी होगा, भीनमाल हो चाहे अपन जालौर में जाएं, जब अपन सब एक होकर एक आवाज में बात बताएंगे, हमें सांचौर से कोई एतराज नहीं है, सांचौर रहे, चीतलवाड़ा रहे, और भी कोई उनको चाहिए तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ एरिया ले सकते हैं, लेकिन हम सबकी इच्छा ये है। और जो आपकी भावना है, आपने भी, मैं भी काफी टाइम से विचार कर रहा था कि मैंने कहा कोई ना कोई तो आगे आए, लेकिन जब देखा कि रानीवाड़ा से तो कोई बोल ही नहीं रहा है, तो मैंने कहा अकेला मैं, क्योंकि मैंने देख चुका हूँ मैं कई बार कि आपके यहाँ पे कुछ मांगों के लिए मैं लड़ा था, लेकिन मेरे साथ कोई आया ही नहीं उन कामों के लिए। और सांचौर जिला, जो कहावत है ना, मांगे से मोती मिले और बिन मांगे मोती मिले, मिले न मांगे भीख, भाई जो नहीं कह रहा है उसको तो डिस्ट्रिक्ट मिल रही है। और जो हम, जो इस रानीवाड़ा क्षेत्र के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल से ये कोशिश कर रहा था रानीवाड़ा के लिए कि बड़गांव जो रानीवाड़ा के पास में ही है, और पहले बड़गांव PSC हुआ करती थी मेडिकल हेल्थ में, और सभी डॉक्टरों की तनख्वाह, 5 डॉक्टर वहाँ बड़गांव में बैठते थे, और इनकी से रानीवाड़ा डिस्पेंसरी, रानीवाड़ा का भी हॉस्पिटल मेरे टाइम में आप लोगों ने मुझे अधिकार दिया, और मैंने उस समय रानीवाड़ा को पूरन के सेठ साहब जीवाणी जी के सहयोग से ये हॉस्पिटल बना, अदर स्वर्गीय रुकनाथ जी सब जने पधारे, इसका
उद्घाटन किया तो रानीवाड़ा उस समय डिस्पेंसरी थी और बड़गांव पीएससी थी। मैंने अभी सरकार में मांग रखी, मैं क्यों अभी हमने बड़गांव में भी दानदाता के सहयोग से अच्छी बिल्डिंग बना दी है 2-3 करोड़ की। तो हमने कहा जब पूरी की पूरी एरिया है वहाँ पर एक पहले 5 डॉक्टर बैठते थे, अब 1 डॉक्टर बैठता है, तो मैंने कहा वहाँ पर सीएससी कर दें ताकि लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। कुछ अपने गांव भी हैं, कुछ सिरोही डिस्ट्रिक्ट के भी नीमच और ये हैं, तो वो भी बड़गांव ही आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। दूसरी चीज के बड़गांव में अभी भी गर्ल्स मिडिल स्कूल है। मैंने कहा कि आजकल कई माँ बाप ऐसे हैं जो 8वीं के बाद में लड़कियों को स्कूल छुड़ा देते हैं और उनको कहते हैं कि हम तो बच्चों के साथ तो नहीं भेजेंगे, अगर लड़कियों की स्कूल है तो लड़की को भेजेंगे। तो मैंने दूसरी मांग वहाँ ये रखी थी कि भाई बड़गांव को हाई स्कूल या 10+2 जो भी है कर ले, पहले हाई स्कूल कर ले फिर 10+2 कर ले। उन दो तो बातें जो इस क्षेत्र के लिए जरूरी थी, आवश्यक थी, वो बातें तो नहीं हुई। और जो नहीं चाह रहे थे किसी ने, ना सांचौर वालों ने भी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि सांचौर की जनता ने मांग नहीं करी थी कि सांचौर को जिला बनाया जाए। ये तो खाली ऊपर से कैसे हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बना दिया और डिस्ट्रिक्ट को बनाने में भी ये ध्यान नहीं रखा गया। अब आधा रानीवाड़ा सांचौर में आ जाएगा, आधा चला जाएगा आपके जसनपुरा का क्षेत्र जालोर में, तो हर एक तरीके से यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि होंगे उनको भी परेशानी रहेगी। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें और कुछ नहीं है कि साहब सांचौर रहे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके हमको जालौर में ही रखो ताकि हम 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर चले चलेंगे, लेकिन वहाँ जाना हमारे लोगों के आत्मा में जो आवाज़ आती है ना उसमें भी वो ये मानते हैं कि नहीं साहब ये भाषा बोलते ईट कोड़ी है। मैं अब वो आप में ज्यादा किसी के बारे में कोई शब्द नहीं कह सकता। आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे कहा कि देवड़ा साहब आप भी आए, आप मैंने कहा मेरा भी है एरिया और मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं भी आपका समर्थन करता हूँ और जहाँ जहाँ आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हमेशा जहाँ बात करनी है जो कुछ भी करना है कि हमें सांचौर से कुछ नहीं है, लेकिन या तो हमें भीनमाल नया डिस्ट्रिक्ट बन जाए ताकि वो वहाँ पर सब चीज़ें हैं, फैसिलिटीज है, मकान है, बस्ती है अच्छी, ताकि कोई जंग आपके विवाद भी नहीं हो। कई बार मैं तो अखबार में टीवी में देखता था हमारे साथी पूर्व और अभी MLA भीनमाल पूरा राम जी मजाक में कहते थे कि साहब सांचौर गए तो मोटरसाइकिल चाबी तो हमारे पास में रहेगी, मोटरसाइकिल दूसरे के पास में होगी। अब वो इतना पूरा राम जी हाउस में भी चिल्लाए, बहुत मेहनत भी करी पूरा राम जी ने, लेकिन पूरा राम जी भी सांचौर में आ गए, उनका गांव भी। तो मैंने कल सबरजीत सिंह जी से बात करी, मैंने कहा कोई बात नहीं हम दो तो रहे, तीसरे हीरालाल जी हैं और दूसरे तो रही। तो इस प्रकार से कोई नहीं चाह रहा है, तो हमारा सरकार से भी यही अनुरोध है कि आप इस बात पर थोड़ा गौर करके भीनमाल के ऊपर विचार करें तो अच्छा रहेगा। यही कहते हुए आप सबका आभारी हूँ, लेकिन जो भी प्रयास कर रहे हैं संघर्ष समिति, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे पंचायत समिति को अपन जोड़ेंगे कि तभी काम बैठेगा, बाकी कम लोगों से ज़्यादा फिर क्या कि सरकार भी ये मानती है। अभी मैं आ रहा था, मेरे साथ में सरपंच साहब कागमाल आते हैं, तो कागमाल साहब के बोले साहब मैं जब घर पे आया जब तो यार टेंट वेंट नहीं था, अभी डेयरी के आगे कोई टेंट लग रहे हैं और वहाँ भी इकट्ठे हैं, तो जब तक आप मांगोगे नहीं कोई बात तो आपको ऐसे तो मिलने वाली नहीं है। तो अभी अभी वहाँ डेयरी में भी कोई काश्कार खड़ा है, कोई इकट्ठे हुए हैं, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप पुरजोर शब्दों में मांग करें, हम सब साथ में हैं और सही काम है, हमें कुछ दूसरा हमें सांचौर का कत्ता ही नहीं है कि उसको हटाए, रखें कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन या तो हमको भीनमाल में नया जिला बना दे या फिर हमको जालौर में रखें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद।